जड़ी बूटियों की समृद्ध परंपरा, ऋषियों की कृपा से हमें विरासत में मिली है और हमने इन औषधियों के द्वारा नया जीवन पाया है। आज ये औषधियां कम गुणकारी नहीं हैं, हमें इनका जो ज्ञान है, इनके विषय में जो जानकारी है, उसका कहीं अभाव है, जिसके चलते हम रोगों से आक्रांत हो रहे हैं, परेशान हैं। वास्तव में आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विविध जड़ी बूटियों के ज्ञाता हैं, वो अपने आप में एक वैद्य ना होते हुए भी बहुत सारे जो असाध्य रोग हैं उनके विषय में उनकी निपुणता, चिकित्सा की जो कुशलता है, किसी से कम नहीं है। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश का जो भी जड़ी बूटियों के संदर्भ में जानता हो, जो भी आयुर्वेदिक विधा को जानता हो, वह जिस पौधे को जानता है, उस इस पौधे के विषय में हम चर्चा करेंगे। और आज तो हर कुछ, हर कार्य फैशन बन गया है। फैशन ने भी जिस पौधे को अपना लिया है, ऐसा प्यारा सा पौधा है ये घृत कुमारी, आप देख रहे हैं मेरे ये पीछे की साइड में और आगे भी, यह घृत कुमारी है। हिंदी में घीकुआर, ग्वारपाठा इसको बोलते हैं। एलोवेरा के नाम से सारी दुनिया आज इस पौधे के गुणों का बाखान कर रही है और हमारे देश के लोग भी रोगों के समन के लिए या अपने आप को सुंदर बनाने के लिए इसका आश्रय ले रहे हैं। घृत कुमारी का यह पौधा वास्तव में आयुर्वेद का एक वरदान है। आज पूरे विश्व के अंदर हमारी कुछ आदत ऐसी है, विदेशी दौड़ने लगते हैं तब हम जग जाते हैं। आज एलोवेरा जेल के नाम पर मैं समझता हूँ विदेश से 1,000-1,500 रुपया लीटर आज हमारे देश में बिकता है, और जो एलोवेरा लगाने वाला जो किसान है उसको मुश्किल से 4-5 रुपया प्रति किलो भी नहीं मिलता है। तो ये घृत कुमारी, ये जो ग्वार पाठा, आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने गमलों में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको घर में भी लगाया हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जिन प्रयोगों को आप घर में करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरी माताएं बहनें, ये घृत कुमारी, एक तो इसकी विधि, इसका गुद्दा कैसे निकाला जाता है, एकदम सरल है। इसको साइड में से पत्ते को काट करके, ये जैसे ये निकला, इसके बाद में इसको साइड में से काट करके थोड़ा सा इस तरह से, ये साइड में से कट गया, फिर बीच में से आप इसको चाकू के द्वारा आराम से, बहुत नरम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसको आप काट करके निकाल सकते हैं इस तरह से। ये एलोवेरा जो है, इसके बाद में इसका आप ये गुद्दा ये निकल जाएगा आराम से। ये एलोवेरा जेल है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य औषधि है। तो इसके लिए इसको आप निकाल करके, जिनको चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं, या सनबर्न जिनको होता है, या किसी भी तरह से इस तरह की चेहरे की जो समस्या है, उस समस्या के लिए आप इसको लगा सकते हैं। बहुत सरल प्रयोग है, आपको बहुत महंगी महंगी क्रीम, लोशन और विविध तरह के कॉस्मेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। तो मेरी माताएं, मेरी बहनें या कोई भी पुरुष, वो सब लगा सकते हैं कॉस्मेटिक की जगह, इसको आप जेल को लीजिए। और ये बहुत अच्छा है, यदि घर में आपने 10-20 पौधे भी लगा रखे हैं, तो यदि हर रोज़ छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके भी लगाते रहते हैं तो बाकी टुकड़ा ख़राब नहीं होता है। बड़ी सुगमता के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत निरापद है, बहुत ही अच्छा है अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। यदि पूरे बॉडी में भी धीरे धीरे आप हल्के हाथों से मसाज करते हैं नहाने से पहले इस एलोवेरा को, ये बहुत ही अच्छा है।
इसमें कुछ आपको वो मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चिकना होता है, तेल वगैरह मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो आपकी शरीर की जो कांति है, जो स्फूर्ति है, वो बढ़ जाएगी और स्किन प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। मालिश करने मात्र से जिनको अर्थराइटिस है, इसको डायरेक्ट भी मालिश कर सकते हैं, घुटनों में, पैरों में। इसको मालिश करने से धीरे धीरे आप लेकर के मालिश करें, और ज़्यादा परेशानी है तो सरसों का तेल मिला करके, सिंपल सरसों का तेल जो सब जगह हमारे देश में उपलब्ध हो जाता है, उस सरसों के तेल को मिला करके घृत कुमारी में फिर आप उसकी मालिश करें। बहुत ही लाभकारी है अर्थराइटिस के लिए। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की परेशानी में भी, त्वचा की कांति के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, चेहरे के लिए और आपके दर्द के लिए, ये बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। और जिनको ज़्यादा अर्थराइटिस का दर्द है तो एक काम और भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करके, जैसे ये है, इसका गुदा निकाल करके रुई में डाल करके कॉटन के अंदर आप उसको बिछा लें, हल्का सा गर्म करें, गर्म करके लुगदी बना करके अपने घुटनों में आप बांधिए। जिनको दर्द है, जो अर्थराइटिस के रोगी हैं, आप देखेंगे इससे एकदम दर्द में कुछ दिनों में आराम होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी निरापद और दुष्प्रभाव रहित औषधि है कि बहुत सारी स्थितियों में आपको ये राहत दे सकती है, बहुत ही दिव्य और गुणकारी है। तो बाहर के प्रयोग के विषय में मैंने चर्चा की कि त्वचा के विकृति हो, और इसका एक और गुण है, मेरी माताएं बहनें कभी कभी किचन में काम करती हैं, अचानक हाथ जल जाता है, कुछ शरीर का अंग जल जाता है, तेल के छींटे पड़ जाते हैं या और कारणों से, उस समय पर आपको इससे सरल और इससे सस्ती, इससे सुंदर कोई औषधि नहीं मिल सकती है। जले हुए के ऊपर यदि आप चाहते हैं कि वो फोला ना बने, वो फूल जाता है, बाद में निशान दाग रहने की संभावना होती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि फोला ना बने, उसके लिए भी आप इसको लेकर के घृत कुमारी को उस जगह पर आप रगड़ दीजिए। रगड़ देने से ही वो निशान भी नहीं पड़ेगा और तुरंत राहत मिल जाएगी जलन से, दाह से, कितनी भी भयानक जलन हो। बहुत ही गुणकारी है, बहुत अच्छा है जलन के लिए, तो जले हुए रोगों के लिए। यदि पुराना जला हुआ है, आपके शरीर में पुराना जला हुआ निशान है और आपको बहुत परेशानी है, या एक ऐसी भी स्थिति मैंने देखी है जब जलने के बाद में बहुत बार वो स्किन हार्ड हो जाती है, टाइट होती है, खींचने लगती हैं, काफ़ी नसें खींच जाती हैं, उस स्थिति में भी बड़ी भयानक अवस्था होती है, वहाँ खुजली मचती है, दर्द भी होता है, जलन से भी रहती है, ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तरह के औषधि उपचार करते हैं फिर भी नहीं ठीक हो पाते हैं। परंतु बड़ा सरल सा उपाय है उसके लिए, उसमें आपको इस घृतकुमारी के, इस एलोवेरा के, आप इसको जेल को थोड़ा निकाल लीजिए, इसके गुद्दे को थोड़ा सा निकाल करके उसमें आप थोड़ा सा मिला दीजिए शहद। शहद और घृत कुमारी का जो ये गुद्दा है, यह दोनों को मिला करके आप यदि करते हैं मालिश, धीरे धीरे आप मालिश करिए और आप छोड़ दीजिए 2-3 घंटे के लिए। आप देखेंगे थोड़े से दिन में जो आपकी जो जली हुई स्किन है, जो उसकी जो निशान है, वो निशान भी कम होने शुरू हो जाएंगे और स्किन भी मुलायम होने शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल अनुभूत है और हमने बहुत सारे रोगियों पर प्रयोग किया है। ये जले हुए लोगों के लिए भी यह एक अमृत है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बताए कि बाह्य रूप से हम घृत कुमारी को किन किन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। अभी की घटना, एक अभी एकदम नई घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आश्रम से जुड़ी हुई हमारी गीता नागरथ हमारी माता हैं, वो बड़ी बुजुर्ग आयु की हैं, काफ़ी उनको अर्थराइटिस की और बहुत लीवर की प्रॉब्लम थी, तो हमने अर्थराइटिस के हिसाब से कुछ भी औषधि देते थे तो लीवर की वजह से वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती थी, लीवर के लिए कुछ दे दें तो फिर अर्थराइटिस बढ़ जाती थी, बड़ी नाजुक सी स्थिति थी। मैंने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, इस घृत कुमारी को थोड़ा थोड़ा सा आप इसको आप सब्जी बना के खाना शुरू कर दो, लड्डू बना के खाना शुरू कर दो। ये सरल सा उपाय है, जैसे लड्डू बनाते हैं ऐसे हल्का सा घी में इसको भून लीजिए, भून करके चाहे थोड़ा सा आटा मिला लीजिए तो लड्डू बन जाएंगे। इसके अंदर के गुद्दे को छोटे छोटे टुकड़े कर करके हल्का हल्का आप सेक देंगे, सब्जी भी बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट और सुंदर सब्जी बनती है। थोड़ा थोड़ा उन्होंने लेना शुरू करा और सिर्फ 2-4 दिन के अंदर ही निश्चित रूप से, मैंने हालांकि सैकड़ों रोगियों के ऊपर यह प्रयोग किया है अब, और मैंने सुना भी है लोगों से भी और स्वयं हमने भी प्रयोग करवाया है,
तो घृत कुमारी के गुद्दे की सब्जी बना करके यदि आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपकी इससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो तुरंत ठीक हो जाता है। यह घृत कुमारी लीवर के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो लीवर जैसी जो भयानक किसी भी तरह के, चाहे वो एसाइटिस की प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉन्डिस है, चाहे वो लीवर इनलार्ज है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, अल्कोलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, या आपका बिलरुबिन बढ़ा हुआ है, या किसी भी तरह से ESR वगैरह भी बढ़ा हुआ है, तो इससे एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो उस स्थिति में तो उस माता ने भी 2-3 दिन बाद ही माता जी आने लगी, चल भी नहीं पा रही थी, कहने लगी आचार्य जी देखो मैं अब चल पा रही हूँ। मैंने कहा माता इसको लेते रहो। तो सारी मेरी जो बुजुर्ग माताएं हैं, जितने भी देश के अर्थराइटिस से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए मेरा आग्रह है कि सब्जी के रूप में चाहे आप एक बार एलोवेरा को स्थान दे दीजिए, बहुत अच्छा है ये आराम से लग जाता है, आप अपने गमलों में उगा सकते हैं। नहीं तो किसान भाइयों से आज बाज़ार में सब्जियाँ बहुत महंगी महंगी सब्जियाँ आती हैं, आज एलोवेरा बहुत सस्ता 5-7 रुपये 10 रुपये किलो आपको मिल सकता है, लाइए सब्जी के रूप में ही सही इसका सेवन शुरू कर दीजिए, देखिए अर्थराइटिस का सफाया कैसे होता है। ये बहुत ही गुणकारी और बहुत दिव्य है और ये कहीं नुकसानदायक नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका रिएक्शन भी नहीं है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, हालांकि मीठा नहीं खाना, परंतु घृत कुमारी डायबिटीज़ में भी काम करता है। जो शुगर के रोगी हैं उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही रामबाण है। यदि आपके पास सब्जी बनाने का साधन भी ना हो, लड्डू भी नहीं बना सकते हो, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उठाइए चाकू और काटिए एक घृत कुमारी के पत्ते को, निकालिए इसके जेल को, ये आराम से देखिए इस तरह से आराम से गूदा निकल जाता है और ये सीधा भी खा सकते हैं। यदि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह खा लें तो इससे आप देखेंगे कि आपका पेट ठीक रहेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। और खाने में थोड़ा सा लगे आपको बेस्वाद तो थोड़ा सा आप मिला सकते हैं इसमें नमक, थोड़ा सा नमक मिला करके आप ले सकते हैं। तो नमक मिला करके सेवन करते हैं तो इससे आपको आर्थराइटिस में भी मुक्ति मिलेगी, आपका पेट भी ठीक रहेगा, लीवर भी ठीक रहेगा। हालांकि इसके अलावा ये सर दर्द में भी काम करता है। इसको और कुछ नहीं तो आप इसको ले करके उठा करके अपने माथे में भी लेप करते हैं तो इससे जो आपका जो सर दर्द है ये इससे देखिए बहुत ठंडा ठंडा सा है। कितने भी भयानक माइग्रेन की परेशानी है उसमें आप इसका लेप कर सकते हैं अपने सर के ऊपर। तो ये बहुत ही गुणकारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो वर्षों पुराने माइग्रेन की वजह से परेशान हैं। हालांकि माइग्रेन के अंदर हमारे यहाँ मेधावटी बहुत ही कारगर है। कितनी भी भयानक आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की आपको ब्रेन के अंदर परेशानी है, उसके लिए आप सेवन कर सकते हैं मेधावटी। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम पानी या दूध से। परंतु ये घृत कुमारी तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं, ये बहुत ही गुणकारी है। तो माइग्रेन में भी आप इसका लेप करते हैं तो बहुत ही लाभ हो जाएगा।